प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के लाइन पार में जमकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के लाइन पार के प्रकाश नगर चौराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं काफी देर से चौराहे पर इधर से उधर घूम रहे व्यक्ति को जब चौराहे पर मौजूद सिपाही ने रोका और उससे पूछा तो व्यक्ति ने सिपाही के साथ दुर्व्यवहार कर अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस पर जब मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस और पुलिस पहुंची तो उसने उल्टा ही सिपाही पर गाली गलौज और डंडे मारने का आरोप लगा दिया। सिपाही के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और यहां तक कि सिपाही की वर्दी उतारने की भी धमकी दे डाली। इस पर भी सिपाही द्वारा संयम को बनाए रखा। व्यक्ति द्वारा कभी अपने आप को रोडवेज का ड्राइवर, कभी कुछ बता रहा था। प्रकाश नगर चौराहा पर इस व्यक्ति द्वारा जमकर उत्पात किया गया तथा जमकर पुलिस के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। इस पर भी पुलिस द्वारा संयम बनाए रख मझोला पुलिस ने उससे प्यार से ही बात की और पूरे मामले को निपटाने के लिए उसको समझाने का काफी बार प्रयास किया, पर वह नहीं माना। कभी सामान लेने के लिए, कभी दूध लेने के लिए अनेकों प्रकार के बहाने बना रहा था, पर मामला कुछ भी रहा हो, व्यक्ति ने जमकर उत्पात मचाया और पुलिस के साथ वर्दी में खड़े सिपाही से अपशब्दों का प्रयोग किया। फिलहाल उस व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। लाइन पार में अब मझोला पुलिस को जरूरत पड़ रही है, वह अब अपने नरम तेवर को अब गरम तेवर करे और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। वह सड़क पर अन्यथा घूम रहे लोगों व गलियों के बाहर खड़े हुए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। ठीक है, मैं आया यहाँ से दूध लेने के लिए। मेरा दूध यहाँ से नहीं जाता, लेकिन मेरी मन करता तो वहाँ से ले जाता, यहाँ से ले जाता। दूध की दुकान नहीं खुली थी, मैं यहाँ से वापस अपने घर जा रहा था। इन्होंने मुझे रोका और इन्होंने छूटते गाली फेंकी, बस इतनी बात की। रोका होगा, इन्होंने रोका, मैं रुका था। तुम रुके नहीं होगे? बिल्कुल रुका था। ये भैया सब जने बात कर रहे थे वहाँ पे खड़े हो गए, तो फिर आज गाली क्यों दे देगा है? ये आप इनसे पूछिएगा, इन्होंने झूठ रहा है, बोल रहा है कहाँ से आ रहा है। अब तुम बेस्ट तो पढ़े लिखे आदमी बेस्ट कर रहे हो, बता दे, समझदार हो, बेस्ट तो क्या फायदा बेस्ट तो। मैंने ये कहा, मैंने कहा दोबारा मत आना, सही बोल रहा हूँ मैं तो, कायदे की बात कर रहा हूँ, थाने में चले जा दूँ उस बात को। तुम्हें अपनी आईडी दिखा, आईडी सब कुछ दिखा दी मैंने तुम्हें, और क्या देखोगे मेरी। फिर क्या होगा, मैं यहाँ वापिस आया, मैंने इनसे भैया से बात करी, वो खड़े हैं वो वाले भैया कैब वाले। मैंने भैया ऐसे से बात हो गई, कितने में इन्होंने मुझे बुला लिया, बोलो तू यहाँ हुआ क्या कर रहा है, बता इनसे। ये बात ही और कोई बात नहीं, ये तो यही ना बोला हाँ वो खड़े हैं तो आप बताओ, मैंने कोई बात नहीं करी, ये बात हुई थी भैया। किसको मौका दे कह रहा मैं तुमसे, 10 मिनट लगेंगे बस, मार 10 मिनट क्या कर देगा है मेरा बाप भी, वही वाली बात है ना, क्या नहीं जा रही तुमसे, कभी तुम सोच रहे हो ईमानदारी से अपनी माँ कसम पैदा करने वाली कसम, और पैदा करने वाली कसम यार, किसी को ऐसे मारेंगे यार, मारा मुझे यहाँ पे, एक मिनट बताओ मारा, तुम गाली भगो एक बार, बहन की गाली भगो तो बताऊंगा तुम्हें, तुमने रखी गाली यार, रखी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.